हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदों को भलाइयों से नवाज़ा ताकि उनके गुनाह माफ़ करे और उनकी बुराइयां मिटाए, उनके अज्र बढ़ाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो तमाम मखलूक़ात का रब, बहुत अता करने वाला और ख़ूब नवाजने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आप करीमाना अखलाक और शरीफाना औसाफ़ के साथ मबऊस किए गए। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी आल और असहाब पर, ताबेईन पर और जो दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करें उन पर, जब तक ज़मीन और आसमान रहें और बहुत ज़्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, मोमिनों की जमात, मैं तुम्हें और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उसकी फरमाबरदारी करो। अपनी दुनिया से धोखा ना खाओ क्योंकि तुम उसे छोड़कर आखरत की तरफ कूच करने वाले हो। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए बेशक वो कामयाब हो गया। और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे की जींस है। उम्मत मुस्लिमा, इंसान की तख्लीक का मकसद ये है कि वो अपने खालिक जल्ला जलालुहू की इबादत करे और इबादत की धुरी पर ही उसकी पूरी ज़िंदगी को इस्तेवार होना चाहिए। अल्लाह का फरमान है, आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही का है, जो सारे जहान का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं और मुझको उसी का हुक्म हुआ है और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने औलाद आदम को अपनी इबादत पर पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनके औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के मुतालिक करार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब ने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह हैं।
पता चला कि अल्लाह की इबादत सबसे मुअज्जज मकाम और सबसे बुलंद मकसद है जिससे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को मुत्तसिफ किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आसमानों और ज़मीन में जो है उसी अल्लाह का है, और जो उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न सरकशी करते हैं और न थकते हैं, वो दिनों रात तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। और अल्लाह जल्ला शानुहू ने अपने अंबिया और रसूलों के बारे में फरमाया, हमारे बंदो इब्राहिम इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का भी लोगों से जिक्र करो जो हाथों और आँखों वाले थे। और अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफत उबूदियत से मुशर्रफ किया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के चुनिंदा बंदों में बुलंद तरीन मकाम पर हैं। आपको रात में बैतुल मक़द्दस ले जाया गया और आपको आसमान की तरफ मेराज कराई गई। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। उबूदियत की तकमील के लिए अल्लाह ने अपनी किताबें नाजिल की, नबियों और रसूलों को खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, ताकि वो लोगों को जहालत की तारीकियों से निकाल कर इस दीन की रोशनी में ले आएँ। यूं लोगों में सबसे कामिल, अफजल और अल्लाह से नज़दीक तरीन और महबूब तरीन वो हैं जो उनमें सबसे ज़्यादा हिदायत वाले और उबूदियत में सबसे कामिल हों। हमारा रब अज़्ज़ा शानुहू अपने मुत्तकी बंदों को पसंद करता है, जबकि वो उनसे नियाज है कि इताअत गुजारों की इबादत से उसका कोई फ़ायदा नहीं और ना नाफरमानों की नाफरमानी से उसका कोई नुकसान है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस कुदसी में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें ये ताकत नहीं कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सको और नहीं तुम मुझे फ़ायदा पहुंचा सकने की ताकत रखते हो। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले वाले और तुम्हारे बाद वाले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब मिलकर तुम में से एक इंतहाई मुत्तकी इंसान के दिल के मुताबिक हो जाएं, तो उससे मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा। और अगर तुम्हारे पहले वाले और तुम्हारे बाद वाले और तुम्हारे इंसान और जिन तुम में से एक इंतहाई फाजिर इंसान के दिल के मुताबिक हो जाएं, तो ऐ अल्लाह के बंदो, उससे मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं होगी। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए शुमार करके रखता हूँ, फिर तुम्हें उनके हिसाब से पूरा पूरा बदला दूंगा। तो जो कोई खैर पाए वो अल्लाह की हमद बयान करे, और जो कोई कुछ और पाए तो खुद ही को मलामत करे। मोमिनों, इबादत ज़मान व मकान के एतबार से अज़ीम होती है, और ये देखिए कि हम मुअज़्ज़ज़ महीने और इबादतों के अजीम मौसम में दाखिल होने वाले हैं। यह नमाज, रोज़ा और कुरान का महीना है, सखावत, भलाई और एहसान का महीना है, और ये बन